रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणानि हितानि साचर चमु रामाय तस्मै। वाराणसी आनंद भवन है, जो एक ये पृथ्वी पे स्थित न होने का एक सबूत है। शिवजी ऐसे त्रिशूल पे धारण किए हुए एक ऐसा गंगा माता का संगम है जहाँ पे मोक्षद्वार है। ये स्वयं साक्षात मोक्षद्वार यहाँ पे मणिकर्णिका आप देख सकते हैं। यहाँ पे 24 घंटे अग्नि ज्वलती रहती है। किसके लिए? तो हमारी मोक्षद्वार करने के लिए। कहने का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम। ये जो तीन क्रिया होते हैं, पुनः आना, पुनः जाना, और माता के गर्भ में हम लोग 9 महीने तक निवास करते हैं, वे हमें ना करनी पड़े और उस बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए। मणिकर्णिका पे ऐसा कहा जाता है कि माँ की कोई कारण की बाली गिरी हुई थी, तो माँ एकदम क्रोध में जल रही थी पार्वती माँ, तो उसी में माँ ने श्राप दिया था कि जिस तरह से आज मैं इस क्रोध अग्नि में जल रही हूँ, इस तरह से मणिकर्णिका 24 घंटे अग्नि तपन में इस तरह जलेगी, ये कभी शांत नहीं होगी। मणिकर्णिका घाट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग, बहुत लोग आते हैं मोक्ष के लिए। यहाँ पे दाह संस्कार भी होता है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। काशी, बिकॉज ये काशी नगरी है, भोलेनाथ का स्थान है, और साथ में गंगा माता है जिसको वो मोक्ष कर देती है, प्योरीफाई करती है, क्लीन करती है। जो दिख रहा है ये मात्रज है, माता के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो इसको वहां पर शमशान में जाकर उसको मुक्त कर दिया। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब मिली हूँ पूर्ण परमानंद। साधु संत जो हैं काशी में, आप देखेंगे ना, हर जगह पे आपको साधु संत दिखेंगे, हर जगह जगह पे आपको वेद मंत्रों का उच्चार देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो साधु संतों का कैसा होता है, ये शरीर को चोला समझते हैं, एक चोला गंदा हुआ उतार दिया, दूसरा पहन लिया। तो ये चोला पहनने की प्रक्रिया जैसे शरीर है, ये मृत्यु है, ये साधु संतों के लिए तो उत्सव है कि वो बोल रहे हैं मरने से सब जग डरा। देखो हमें भी मृत्यु का डर लगता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पे जाके आप देखो चीर शांति लगी रहती है, सब अपने जगह पे अपने धाम पे जाने के लिए तरसते हैं, वो सब मृत शरीर को देख के लगता है। तो मरने से जग तो डरता है, लेकिन ये जो साधु घूम रहे हैं भगवा लगा के, वो कहते हैं कि मृत्यु हमारे लिए उत्सव है, हम तो राह देख रहे हैं कब हमारी मृत्यु और कब हम पूर्ण परमानंद को प्राप्त होंगे। माने मृत्यु यहाँ पे काशी में उत्सव कहा जाता है, मृत्यु है वो काशी का मृत्यु भी मंगल कहा जाता है। यहाँ पे शोक दुख वगैरह मृत्यु के पश्चात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मृत्यु को शाश्वत माना जाता है। बोले तो हम लोग 500 साल पुराने हैं, उम्र छोटा है, लेकिन महसूस होता है कि उम्र, ये जो शरीर है, हजारों साल पुराना है, जो अग्नि के पास पसंद करता है बैठना, ध्यान करना, पता है ना, भंडारा करना, लोगों को खिलाना, खुशी से बात करना, उनको खुश करना, खुशी से भेजना, ये अच्छे आदमी का प्रतीक है। जो अच्छा आदमी रहता है फायर के पास, वही समझ, नहीं तो बहुत लोग को क्या है, सिर्फ आग है और कुछ नहीं उनके लिए, खाना बनाना, खाना, सोना, बस। बहुत कुछ, जैसे कि साधु तपस्वी जो होते हैं अपना पूरा लाइफ
उस अग्नि के पास बिता देते हैं, क्योंकि वो यही सोचते कि यही मेरा दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि वो जानते हैं कि आदि शक्ति ये माता है, इससे सब कुछ मिलता है, सोने को आराम भी मिलता है, खाने को भोजन भी मिलता है। गंगा माँ की अग्नि से तात्पर्य है कि हम गंगा माँ की आरती कर रहे हैं, आस्था से कर रहे हैं, आस्था के प्रतीक जो अग्नि से हमारा संबंध हो गया कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो भी जान रहे हैं कि गंगा जी की सेवा कर रहे हैं, ये भी गंगा आरती कर रहे हैं, तो उसी से जो माँ शांत रूप में है गंगा माँ, तो शीतलता एक तरफ अग्नि है, तो दोनों लोग का मिलकर शीतल रूप हो जाता है, तो कभी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, इसलिए माँ की सेवा करवा रही हैं, और हम कर नहीं रहे हैं, वो हमसे करवा रही हैं, जब तक उनको करवाना होगा वो करवाएंगे, जब उनको नहीं करवाना होगा हमसे नहीं करवाएंगे। यहाँ गंगा जी को बहुत शांत रूप में दिया गया है, मांगा गया है, यहाँ गंगा जी को बांधा गया, क्योंकि ये शांत रूप से बहें, यहाँ किसी को नुकसान न पहुँचे, ना कुछ काशी के अंदर। तो आप गंगा जी किनारे कितनी भी बाढ़ पर गंगा जी क्यों नहीं रहती हैं, कभी आवाज़ नहीं करती, एकदम शांत रूप से जाती हैं गंगा जी के यहाँ पर। निर्मल धारा में बह रही गंगा जी हैं, इसके कहा जाता है कि विष्णु पादा अग्र सम्भूते गंगे त्रिपद धामिनी धर्म द्रव्यति विख्यातम पापम में हर जान दी, ये पापों का नाश करने वाली है, तीन देवों से जुड़ी हुई गंगा है, और ये गंगा पतित पावनी भी कही जाती है, और गंगा को कहा जाता है विश्व रूपिणी, माने इसका एक मंत्र और भी है, नमो गंगा यही विश्व रूपिणी नारायण ये नमो नमो। गंगा आई थी सर 1982 से, पंडित श्री किशोर नंबर द्विवेदी जी 1982 से पंडित श्री किशोर नंबर द्विवेदी जी दशाश्वमेध घाट पर आरती अकेले करते थे। पहले गंगा जी बहुत गंदी थी, बहुत नैली थी, तो उनको साफ करते थे, पूरे दिन साफ सफाई करते थे, उसके बाद शाम में अकेले आरती करते थे, तो वो आस्था की प्रतीक है हमारी गंगा माँ की आरती। गंगा आरती करते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं। गंगा जी है उत्तराखंड के गंगोत्री से उत्पन्न होके कलकत्ता के गंगा सागर तक इसका विचरण होता है। गंगा आरती करने से कहा जाता है कि मन की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो गंगा आरती करने से नाश पाती, और ये नकारात्मक ऊर्जा नाश होने से हमें तीर्थ यात्रा का फल भी प्रदान होता है। माँ गंगा को केवल नदी ही नहीं, भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता ये गंगा को माता मानती है, और हम देवी भी मानते हैं, इसलिए इनकी पूज्य भाव से आरती करते हैं, जिसकी वजह से शरीर के पाप तो धुलते ही हैं, अंतरात्मा के भी सब दोष दूर हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण तनाव वगैरह होता है वो भी गंगा आरती करने से नाश पाता है। अग्नि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो पांच तत्वों के सृष्टि बनी है उसमें से सबसे शक्तिशाली जो कोई तत्व है तो अग्नि कहा जाता है, क्योंकि अग्नि माने तेज, तेज के बिना अग्नि के बिना कुछ संभव नहीं है। अग्नि के कई प्रकार होते हैं, जैसे गंगा आरती में हम देखते हैं जो गंगा आरती की जो ज्वाला होती है वो अग्नि है, जिसे देखने के कारण केवल जिसके दर्शन करने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और मन भाव विभोर हो जाता है, और जब वही अग्नि का स्वरूप मणिकर्णिका घाट पे देखें जो चिताएँ जलती रहती हैं तो मनुष्य को सांसारिक भाव से अलग होकर वैराग्य की प्राप्ति होती है, विरक्त भाव शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। अग्नि तो एक ही है लेकिन अलग अलग रूप में इसका हम चयन करते हैं। अग्नि एक दिए के स्वरूप में रहती है और अग्नि एक ज्योत के स्वरूप में रहती है,
जैसे आरती की अग्नि और श्मशान की अग्नि। अग्नि दोनों एक है लेकिन दोनों का प्रभाव अलग होता है। अग्नि जैसा कोई शक्तिशाली तत्व इन पांच तत्वों में नहीं है। अग्नि है वो सर्जन का भी प्रतीक है और अग्नि है वो संहार का भी प्रतीक है। जैसे सर्जन भी होता है अग्नि से और संहार भी होता है अग्नि से। अंत में अग्नि में ही सबको समा जाना है।